समुद्री जीवों के पास शिकार करने या फिर शिकार होने के बचने के दो तरीके होते हैं। वे या तो खुद को अपने आसपास के अनुसार बदल लेते हैं, जैसे पत्थरों के बीच रहने वाला जीव पत्थर या हरी घासों में रहता जीव उसी रंग का हो जाता है। या इसका एक और तरीका भी है जो काफी अनोखा है। कई जीव खुद को इस तरह बदल चुके हैं कि रोशनी उनमें से परावर्तित हो जाती है, यानी वे लगभग पारदर्शी हो जाते हैं। ऐसे में शिकार के लिए बड़ा जीव उन्हें देख नहीं पाता और वे जीवित रह पाते हैं। नंबर एक, क्रोकोडाइल आइसफिश भी समुद्री जीवों की अलग ही श्रेणी है, जो जरूरत के मुताबिक खुद को पारदर्शी बना लेती है। ये घात लगाकर शिकार करते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं। ये अपने वजन का 50% तक भोजन कर पाते हैं। वैसे ये लंबे समय तक बगैर खाना खाए रह पाते हैं। इसकी एक विशेषता ये है कि इसका खून सफेद होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ग्लास ऑक्टोपस नंबर दो ऐसा ही एक समुद्री जीव है। लगभग 18 इंच लंबे इस जीव का पूरा शरीर पारदर्शी होता है, सिवाय इसके पाचन तंत्र और आँखों के। ऐसे में शिकारी के हमले से बचना आसान नहीं तो ग्लास ऑक्टोपस अपनी आँखों को काफी लंबी बना लेता है ताकि रोशनी उससे परावर्तित हो जाए, इससे वो बच जाता है। नंबर तीन, समुद्र में सील वॉलनट नाम की प्रजाति भी पारदर्शी है। इसकी आँखें और मस्तिष्क नहीं होता और ये काफी धीरे धीरे चलता या तैरता है। ये गति इतनी कम होती है कि कई बार इसके मृत होने का भ्रम हो सकता है। इनका तरह का स्ट्रक्चर होने के कारण इन्हें कॉम जेली भी कहते हैं। नंबर चार, समुद्री साल्प लंबे और पारदर्शी होते हैं। ये हरदम तैरते रहते हैं और इसी दौरान खाते भी हैं। दरअसल तैरते हुए इनके शरीर के आसपास जो पानी निकलता है, ये उसमें मौजूद वनस्पति को खाते हैं। ये बड़े ही अनोखे जीव हैं, जिनमें न केवल जंतुओं बल्कि पौधों जैसे भी गुण होते हैं। मिसाल के तौर पर इनमें गिल्स भी पाए जाते हैं और दिल भी। एक तरह का मेंढक जिसे ग्लास फ्रॉग कहते हैं, ये इसी श्रेणी का जीव है, लेकिन समुद्र नहीं बल्कि मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इनके शरीर के आर पार देखा जा सकता है। इसकी 100 प्रजातियों में से कई प्रजातियों ने अपने आप को पारदर्शी बना लिया ताकि वे जहां रहे वहीं छिप सके और कहीं भागना न पड़े। एक अजब बात ये है कि पारदर्शी शरीर वाले इस मेंढक की पीठ चमकीले हरे रंग की होती है ताकि वे पत्तियों के बीच भी छिप सके। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। शहद प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मीठी देन है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दादी भनी, जो सीधा मधुमक्खियों के छत्तों से निकलकर आपकी चम्मच तक पहुंचता है बिना किसी मेडिकल प्रोसेस या मिलावट के। यह आपको कच्चे शहद की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। आप इस पर भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के बाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है।